हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि यहाँ पे मैं आपको अग्निवीर नेवी के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी एमसीक्यूज जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। प्लस बच्चों, इसकी पूरी पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको साइंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाद इंग्लिश के मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके एक्स्ट्रा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। प्लस बच्चों, जो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यूज होते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही बच्चों, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्स के पुराने पेपर नहीं मिल पा रहे हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो भी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर्स आपको चाहिए अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, या फिर अगर हम अरेंज करा सकते हैं बच्चों, तो हम आप तक प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे अग्निवीर नेवी का जो SSR के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बच्चों, कि ये हमारी वेबसाइट है www.hindiaudience.com, यहाँ पे आपको और एग्ज़ाम्स के PDF मिल जाएंगे पुराने पेपर्स के। तो चलिए, अब पहले देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका एक पैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरा ये पैसेज दिया हुआ है, आपको इसे पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, तो उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक कंप्लीट पूरा पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए परेशान ना होइएगा। बाद में जो एक्स्ट्रा PDF है, जैसे कि उसकी भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज साइंस लिबरेट एस, यहाँ पे अस होगा, अस फ्रॉम, इट इज लिबरेट अस फ्रॉम, यहाँ पे चार ऑप्शन है, और इसका आंसर बच्चों इस पूरे पैसेज में आपको इसको पढ़ना होगा। तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड ह्यूमन साइंस बी डेवलप्ड बिकॉज दे विल, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका बच्चों सेकेंड वाला, बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, तो थर्ड कह रहा है, इफ़ मैंस वेस्ट्रियल हियरिंग इज कंट्रोल्ड, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी वाला, द फ्यूचर विल बी ब्राइटर देन द प्रेजेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है, फियर एंड होप्स अकॉर्डिंग टू ऑथर इज डैश, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका ए वाला, आर क्लोजली लिंक विद द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, टू कार्व आउट ब्राइट फ्यूचर मैन शुड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा कल्टिवेट अ पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स सेवेंथ के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर नहीं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ये आपको पैसेज के अंदर इसको कंप्लीट पढ़िएगा और फिर इसके आंसर आप खुद लगाइएगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पे सिक्स सेवेंथ ये वाले आपको लगाने हैं, ठीक है। प्लस अब चलते हैं यहाँ पे, एट्थ क्वेश्चन भी आपको लगाना होगा, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊँगा। अब चलते हैं नाइन्थ पे, तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको देखिए सिनोम्स निकालने हैं वर्ड के, ठीक है, इसके अंदर आपको सिनोम्स फाइंड आउट करना है। तो वर्ड है आपका यहाँ पे हॉर्सेस, तो इसका सिनोम्स जो बन के आएगा वो बच्चों आएगा हार्श, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी वाला, ठीक। इसके बच्चों पेपर्स के क्वेश्चंस आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिससे कि तैयारी आप अच्छे से कर सकें। प्लस इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जहाँ पे इंग्लिश के और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद बच्चों सीधे वेबसाइट पे मैं अपनी जो बाकी PDF होंगी वो डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे SSC के पूरी कंप्लीट सीरीज़ चलाने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप SSC के भी एग्ज़ाम्स भरते हैं या फिर भरने वाले इन फ्यूचर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कंप्लीट फुल सीरीज़ आएगी उसकी। अब टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, तो टेंथ क्वेश्चन में भी आपको एंटोम्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोम्स निकालना है, जो कि वर्ड है आपका कैपिटुलेट, तो इसका एंटोम्स आपको बच्चा रहेगा कॉन्कर्ड, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। इलेवेंथ की ओर चलते हैं, तो इलेवेंथ वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद करिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्थ की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव टू पैसिव करना है आपको और पैसिव टू एक्टिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस करना है, देखना है कौन सा एक्टिव टू पैसिव है, ठीक। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा ही आपके एग्जाम में भी आएगा बच्चों, चार ऑप्शन होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ट्वेल्थ का, ये रहेगा आपका सी वाला, यानी कि आई लॉस्ट 500 रुपीज आई हैड इन माई वॉलेट, मतलब कि मैंने 500 रुपये खो दिए जो मेरे वॉलेट में थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 13 क्वेश्चन में भी सेम आपको करना है। यहाँ पे कह रहा है, हैज़ द वर्क बीन कम्प्लीटेड बाई यू, ठीक, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा 13 का ए वाला, हैज़ यू कम्प्लीटेड द वर्क, ठीक, हैज़ यू कम्प्लीटेड द वर्क। अब चलते हैं 14 में। तो यहाँ पे बच्चों आपको करना क्या है, चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। सेंटेंस आपका दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा हुआ है, डू यू राइट अ गुड हैंड, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, डू यू राइट अ गुड हैंड क्वेश्चन मार्क द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा डी वाला, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही रोट अ गुड हैंड, ठीक। ऐसा ही सेम आपको 15 में भी करना है, 15 वाला क्वेश्चन बच्चों आपको करना होगा खुद, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, सेम है आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और सेम उसका उल्टा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं जो आपका नया सेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपको देखिए इसके मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है ये, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे अग्निवीर नेवी के अंदर। तो आपको ये इसका देखते हैं 16, तो 16 कह रहा है, आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर्स कॉम डैश द लवली लेडी कमिंग फ्रॉम द सीट, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे क्या आएगा, तो बच्चों इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर फॉर द लेडी कमिंग फ्रॉम द सीज, ठीक है। 17 देखते हैं, 17 है, डैश द 9 गॉड्स ही स्वर, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा बाय द 9, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, बाय द 9 गॉड्स। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन कह रहा है आपका, टू गोल्ड ज्वेलरीज सेट वर गिवन टू डैश बाय माय ग्रैंड मदर, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका मी, यानी कि रहेगा टू गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वर गिवन टू मी बाय माय ग्रैंड मदर, यानी कि दो ज्वेलरी के सेट मुझे दिए गए मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन है, आई वॉज डैश टू नो दैट एवरीबडी वॉज फाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा 19 में सी वाला, यानी कि प्लीजिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन, द गार्डन डैश स्वीट विथ फ्लावर्स लाइक द रोज एंड द जैस्मिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा द गार्डन स्मेल्ड स्वीट, यानी कि अच्छी खुशबू आ रही है, क्यों, क्योंकि रोज़ और जैस्मिन वहाँ पे लगे हुए हैं, इन फूलों की खुशबू है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पे मैं आपको और क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कंप्लीट पूरी पीडीएफ बनी रखी हुई है, पिछली बार एयरफोर्स के अंदर जो अग्निवीर एयरफोर्स के बच्चे थे वहाँ पे हम लोग खाली इंग्लिश की ही पीडीएफ प्रोवाइड करा पाए थे, ठीक है। लेकिन इस बार वो पीडीएफ के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी वो अरेंज हो रहे हैं, हिंदी पीडीएफ भी आ जाएगी आपकी, क्योंकि मोस्टली बच्चों देखिए आपने सिलेबस देखा ही होगा जो कि एयरफोर्स और नेवी अग्निवीर के दोनों सिलेबस सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा, ठीक। इसके अलावा और भी पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, प्लस एसएससी का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि उसके एग्ज़ाम अब लाइन से चालू ही होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके हर एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो भी ओरिजिनल ऑफिशियल विद आंसर के साथ, आंसर की के साथ हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 21। तो यहाँ लिखा हुआ है, ही डैश हिज एम्प्लॉयज काइंडली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका 21 का रहेगा बी, यानी कि ही ट्रीट्स हिज एम्प्लॉयज काइंडली। 22 क्वेश्चन देखते हैं, नाउ डेज अ ग्रेट मैनी थिंग्स डैश फ्रॉम प्लास्टिक।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा 22 का डी वाला, इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। 23 देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमा वो सॉरी डैश द सॉरी डैश मैन मस्ट बी पनिश्ड, तो यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा द मैन मस्ट बी पनिश्ड। 24 देखते हैं, ही वॉज वेक्स्ड डैश सोहन फॉर हिज बिहेवियर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा ही वॉज वेक्स्ड विथ सोहन फॉर हिज बिहेवियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीनिंग निकालना है कॉमिकल का, ठीक है, मीनिंग कॉमिकल की मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा चेयरफुल, मतलब कि हैप्पी, एक्साइटमेंट, ये सब इसकी वो डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। जो मैंने जिसके आंसर नहीं बताए वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने होंगे बच्चों, उसका आंसर आप बताइएगा। प्लस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी इतना ही नहीं बल्कि और भी MCQs प्रोवाइड करा देंगे। और बच्चों यहाँ पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो निकलती है उसके हम बारे में हम बताते हैं, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं आंसर कीज़ के साथ। अगर आपको कहीं गूगल यूट्यूब पे पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं या फिर उसकी PDF नहीं मिल पा रही है, तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया है, आप वहाँ ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे कि सर ये वाले प्रीवियस पेपर अरेंज करा दीजिए, इसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, MCQs जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए कॉपी किताब नोट्स इन सब से तो आप पढ़ लेते हो, ऑनलाइन भी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो MCQs होते हैं ना वो आपको ढूंढ नहीं पाते, आपको पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो फिजिक्स का रहेगा बच्चों, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके MCQs हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, उसकी PDF बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इसका सेकंड पार्ट मैं आपको और बता दूंगा, इंग्लिश के और क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, आंसर्स के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, जो फिजिक्स की PDF आएगी, साइंस की PDF आएगी, फिर आपकी GK की PDF आएगी, ये सारी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।